धतूरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाता है, एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समझ। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए, अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए, महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों उस ओर, और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, गुरुजी ने आज धतूरे का पुष्प कैसे और कहां चढ़ाना है उसके बारे में बताया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि धतूरे का पुष्प हमें शिवलिंग पर दो ही जगह चढ़ाना होता है। पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और अशोक सुंदरी जी के ऊपर जब आप धतूरा चढ़ाते हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो धतूरे का खिला हुआ भाग है, जो फूल वाली साइड है, वो आपको महादेव के शिवलिंग की तरफ रखनी है, और जो डंडी का भाग है वो जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस साइड रखना है। दूसरी जगह धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, और शिवलिंग के ऊपर आप जब भी धतूरा चढ़ाएंगे तो धतूरे का जो खिला हुआ भाग है, फूल वाली जो साइड है, वो आपको अपनी तरफ रखनी है, और डंडी वाला जो भाग है वो आपको दूसरी साइड रखना है। आप किसी भी साइड शिवलिंग के बैठे हैं, उसी साइड, जिस साइड आप बैठे हैं उसी साइड आपको खिला हुआ भाग रखना है और डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखना है। तो यही दो जगह होती है जहाँ पर धतूरे का पुष्प चढ़ाया जाता है। तो आप जब भी धतूरे का पुष्प चढ़ाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको कहाँ और कैसे शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प चढ़ाना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।